हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अभी भी कंफ्यूज हैं रैबिट्स की डाइट को लेकर, यानी कि अपने खरगोशों को हम क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं पूरे दिन का रूटीन। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूरा एंड तक देखें, इसमें मैं सारी डिटेल के साथ आपको बताऊँगी कि हम अपने प्यारे प्यारे पेट रैबिट्स को क्या चीज़ खिला सकते हैं और क्या चीज़ नहीं हमें उसको देनी चाहिए। मैंने ये वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ डाइट से रिलेटेड, मगर अभी भी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो और बनानी चाहिए जिसमें मैं अच्छे से ब्रीफ कर दूं कि पूरे दिन शेड्यूल में हम अपने रैबिट्स को क्या चीज़ दे सकते हैं खाने के लिए जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको पूरी डिटेल इनका डाइट चार्ट पूरा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़ जो खरगोश की डाइट है, उसमें 80% कम से कम 80% तक हे यानी सूखी घास या घास, कुछ भी सूखी घास हे थिमोती है। मैं एडल्ट रैबिट की बात कर रही हूँ, यानी कि 5 महीने से बड़े रैबिट के लिए। बेबी बनी के लिए यानी कि 5 महीने से छोटे खरगोश की डाइट के लिए मैं आई बटन पे दे दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक कि बेबी बनी की डाइट क्या होती है। तो दोस्तों, ये है एडल्ट रैबिट की डाइट यानी कि 5 महीने से ऊपर खरगोश के लिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 80% तक हमें उनको घास या सूखी घास देनी चाहिए, सूखी घास ज़्यादा अच्छी होती है। 20% तक जो बच गया है उसमें से 10% हम देते हैं सेफ सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ। वो क्या क्या होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। 5% हम देंगे इनको पैलेट्स यानी कि सूखा खाना, उसकी वीडियो भी बनी हुई है ऑलरेडी चैनल पर। और 5% फ्रूट या ट्रीट्स। तो ये हो गया हमारा 100% इसकी डाइट। तो सबसे पहले हम कम क्वांटिटी वाली चीज़ से स्टार्ट करते हैं, वो है पैलेट्स। 5% डाइट में खरगोश के पैलेट्स देनी चाहिए। जो सबसे सेफ पैलेट है वो स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, सुप्रीम थिमोथी पैलेट, ये सबसे सेफ है। अगर आप लोग ये ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं ले सकते हो तो आप पैलेट हटा सकते हो डाइट में से, बाकी आप उनको घास दे सकते हो। 5% हमें इनको डाइट देनी है, पैलेट कितनी देनी है इसका भी सेपरेट वीडियो चैनल पर है। उसके बाद जो 5% और बचा उसमें हम दे सकते हैं फ्रूट या ट्रीट। फ्रूट में मतलब कि जो गाजर है वो भी ट्रीट में आती है। आप मान सकते हो कि 100 का 5% कितना हुआ, बिल्कुल छोटा सा 1 इंच से भी कम टुकड़ा हम एडल्ट रैबिट को दे सकते हैं, वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार सिर्फ, क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो ट्रीट हम उनको 5% दे सकते हैं जिसके अंदर बनाना, ये जो भी मीठी चीज़ होगी हम इसको हफ्ते में 2 या 3 बार दे सकते हैं सिर्फ। ट्रीट में हम बात कर सकते हैं बनाना, केला यानी कि सेब दे सकते हैं, गाजर, या गर्मियों में वो आता है तरबूज, उनका बहुत छोटा टुकड़ा हफ्ते में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं 1 इंच के आसपास एडल्ट बनी को। तो ये आता है फ्रूट, यानी कि ये 5% हो गया, 5% हमारा पैलेट हो गया। अब बात करेंगे हम 10% की जो है सेफ वेजिटेबल्स, यानी कि 2 बार आप दे सकते हो दिन में, 1 कटोरी सुबह 1 कटोरी रात को, इस टाइप से करके सेफ वेजिटेबल्स दे सकते हो। अब सेफ वेजिटेबल्स की बात करेंगे कि सेफ वेजिटेबल्स में आता क्या क्या है, तो चलिए वो देखते हैं। तो गाइस, सेफ वेजिटेबल्स के अंदर यानी कि सब्जियां कौन सी अच्छी हैं उनको देना, उसमें धनिया आ सकता है, पुदीना हो सकता है, तुलसी पत्ता हो सकता है, कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है जैसे पार्सले हो गया, ये लेट्यूस दिख रहा है आपको जो अभी स्क्रीन पे है, बॉक चोई हो गया, सेलरी हो गया। लेट्यूस में सिर्फ हम ये वाली रोमेन लेट्यूस देंगे, और व्हीट ग्रास को भी हम एज अ सब्जी की तरीके से ही देंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा ही दे सकते हैं, मेन डाइट में नहीं देंगे। व्हीट ग्रास यानी कि जो गेहूं की घास हमने उगाई थी एक वीडियो में, मैंने वो भी दिखाया था। शिमला मिर्च थोड़ी सी दे सकते हैं, कोई भी कलर की शिमला मिर्च दे सकते हैं, गर्मी हो तो थोड़ा सा खीरा दे सकते हैं, थोड़ा मतलब मेन डाइट नहीं बता रही हूं मैं, ये 10% हिस्सा जो पूरी डाइट का है, जो अभी चेरी खा रहा है ये लेट्यूस है, लेट्यूस दे सकते हैं, और सोया साग दे सकते हैं, सर्दियों में सोया साग आता है, गर्मियों में वाटर स्पिनच बोलते हैं, कर्मी साग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो दे सकते हैं। यही सब्जियां सिर्फ सेफ हैं, इसके अलावा कुछ भी सेफ नहीं है। आप इसके अलावा कुछ नहीं दोगे जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इनके अलावा। आजकल तो ये सब्जियां भी बहुत इजीली मिल जाती हैं, ये लेट्यूस, सेलरी, पार्सले, बॉक चोई, ये भी दे सकते हो बहुत इजीली, मंडी वगैरह पे भी मिलने लग गई है। बाकी अपना धनिया, पुदीना, तुलसी पत्ता, सोया साग और शिमला मिर्च, ये सब तो मिल ही जाती है, बट हमें बहुत कम क्वांटिटी में देनी है, यानी एक छोटा बाउल एक बनी के हिसाब से सुबह और एक छोटा बाउल शाम को। तो ये हो गई हमारी सेफ सब्जियां जो हमें बनी को देनी चाहिए, रैबिट को देनी चाहिए।
और आप कोशिश करो कि दिन में जो आप सब्जी देते हो उसको रोज रिपीट नहीं करो, मतलब मॉर्निंग में जो सब्जी दे रहे हो शाम को नहीं दो, थोड़ा सा अलग अलग करके 3 सब्जियां एटलीस्ट एक दिन में अलग अलग करके आपको देनी चाहिए, और वही सब्जियां आपको हर रोज रिपीट नहीं करनी, थोड़ा चेंज कर करके दो ताकि उनको हर चीज़ हर न्यूट्रिशन मिल सके। अब बात करेंगे हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाइट की, जो है 80% इनका डाइट का हिस्सा, यानी कि 80% खाना जो हमें अपने पेट रैबिट्स को देना चाहिए जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो गाइस मैं दोबारा बता रही हूं कि आपको कि रैबिट की डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक हेल्थी रैबिट के लिए। अगर आप उसकी डाइट अच्छी नहीं करेंगे तो आपके खरगोश को कोई ना कोई तकलीफ रहेगी ही रहेगी, जिस टाइप से मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूं कि खरगोश के दांत लाइफ लॉन्ग तक बढ़ते हैं। अगर आपने उसको डाइट ठीक नहीं दी तो वो मुंह से बाहर निकल आते हैं, यानी कि अगर आपने उसको हे नहीं खिलाई, सूखी घास नहीं खिलाई, तो वो मुंह से बाहर निकल आएंगे, जिससे उसको ऑपरेशन तक करवाना पड़ेगा और रैबिट इमरजेंसी सिचुएशन में चला जाता है। तो इस वक्त ये जो मफिन खा रहा है ये भी लेट्यूस के पत्ते हैं, ये एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में आता है। आई नो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा, बट जो नॉर्मल वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई है आप वो दे सकते हैं 2 बाउल सिर्फ पूरे दिन के। अब बात हम करेंगे मेन खाना जो इनका 80% है, वो है हे। तो गाइस रैबिट के पास हे, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये है थिमोथी हे। एडल्ट रैबिट को हम थिमोथी हे, मिडो हे, ऑर्चिड हे या नॉर्मल जो धूप घास होती है ना उसकी सुखाकर भी हम हे बना सकते हैं। ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप एक बार मेरे चैनल पे जाकर पुरानी वीडियो भी एक्सप्लोर करो, आपको सब में ये इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वाली हे जो होती है थिमोथी हे रैबिट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, सारी हे अच्छी है। अगर आप मतलब थिमोथी, मिडो, ऑर्चिड और ये बरमूडा धूप घास है, क्योंकि इनके दांतों के लिए बहुत अच्छी है, इनके पेट के लिए बहुत अच्छी है। और हे आपको कब कब देनी है, 24 घंटे अनलिमिटेड, यानी कि पूरा दिन रात खरगोश के पास खूब सारी हे होनी चाहिए। आपका खरगोश जितनी हे खा ले कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें वो लिमिटेड ही खाए, बाकी हे वो जितनी मर्जी खा ले उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड हे उसको खानी चाहिए। गोल्डन गोल्डन कलर की पूप्स आएंगी, आपको पता लग जाएगा कि हमारा रैबिट अच्छी हे खा रहा है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है आप पैसा खर्च करो थिमोथी हे लो, ये लो वो लो, आप धूप घास जो होती है ना उसको सुखाकर भी हे बना सकते हो, वो भी इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वो उसको भी आपको अनलिमिटेड देना है, यानी कि बहुत सारा देना है घास। ये देखो कितनी अच्छी ग्रीन ग्रास है, ये मुझे एक टाइम मिल गई थी तब मैंने भी इसकी हे बनाई थी। ग्रीन भी दे दो, हे भी दो, मतलब हे देने का मेन मोटिव हमारे को है कि फाइबर बहुत ज़्यादा जाना चाहिए इनकी बॉडी में, जिससे इनका पेट और इनका गट मूवमेंट अच्छा रहे। पूरी डाइट शेड्यूल बनाने के बाद लास्ट मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊं, पानी। आप इस टाइप से डॉग बाउल ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका खरगोश पानी गिरा देता है, पानी नहीं पीता। जो डाइट मैं आपको बता रही हूं पूरे वीडियो में अगर आप ये फॉलो करते हो तो 101% आपका खरगोश पानी पिएगा। और पानी ना फैलाए उसके लिए आप इस टाइप की कटोरी यूज़ करें, ये डॉग बाउल इसको बोलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और पेट स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। इसको वो गिराते नहीं है और बहुत अच्छे से पानी पिएंगे अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हे खाने को दोगे। जितनी वो हे खाएगा, जितनी सूखी घास खाएगा, उतने अच्छे से वो पानी पिएगा, उतने अच्छे से उसके बॉडी का सिस्टम चलेगा और आपका रैबिट एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकता है। और दोस्तों गलती से भी आप अपने खरगोश को ह्यूमंस का जो पका हुआ खाना होता है, रोटी, सब्जी, दाल, ये सब नहीं दें, ये बिल्कुल जहर के समान है। चने, उबले हुए ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट, ये सब बिल्कुल जहर के समान है, ये बिल्कुल भी ना दें। बहुत लोगों से मैंने अभी भी सुना है कि वो ये सब चीज़ें देते हैं, तो आप ये सोच लो कि वो जहर के बराबर है। जो अभी चीकू की प्लेट है इसके अंदर देखो पीली वाली शिमला मिर्च भी मैंने डाली है, थोड़ा धनिया है, लेट्यूस है, मतलब ये सब चीज़ें मिक्स कि आप बहुत अच्छे से बाउल बनाकर दे सकते हो और वो बहुत इंजॉय भी करेगा, हेल्थी भी रहेगा, आपको भी अच्छा महसूस होगा कि हाँ वो हेल्थी खाना खा रहा है। और गाइस ध्यान रखिए कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स देते हुए उनके बीज वगैरह आप ना दें। अगर आप जैसे कुकुम्बर देते हो, खीरा देते हो, तो उसके छिलके विलके हटा लो, छिलके और बीज आपको बिल्कुल नहीं देने, मतलब ऊपर का पार्ट देना है। अगर आप शिमला मिर्च भी आधी से भी आधी दे रहे हो उसका भी सिर्फ ऊपर ऊपर का लेयर देना है, पार्ट देना है, बीज हमें किसी चीज़ के भी नहीं देने हैं।
पुदीना आप अगर आपकी प्रेग्नेंट फीमेल बनी है तो दो, यानी कि अगर वो दूध पिलाती है बच्चों को तब भी उसको पुदीना नहीं दो, वो एक अलग केस है। बट नॉर्मली जो बनीज हैं, रैबिट्स हैं, उनको ये सब सब्जियां आप दे सकते हो जो सेफ है। आई होप गाइस आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगी सबके रिस्पॉन्स करने का। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।